हेलो फ्रेंड्स दिस इज गौरव तो सबसे पहले सेशन में हम लोग देखने वाले कि व्हाट इज नेटवर्क एंड नेटवर्किंग इसके बीच में क्या डिफरेंस है तो जैसे कि हम लोग जैसे हम लोग नेटवर्क ये वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में काफी सारे नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन आती है काफी सारे नेटवर्क हमारे दिमाग में आते तो यहाँ पे कौन से नेटवर्क के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग वो समझते हैं ठीक है तो जैसे कि काफी सारे लोग बोलते हैं कि मेरे मोबाइल में एयरटेल का सिम कार्ड है मेरे मोबाइल में आइडिया का सिम कार्ड है मतलब आइडिया का नेटवर्क है एयरटेल का नेटवर्क है वोडाफोन का नेटवर्क है तो यहाँ पे जिस नेटवर्क की बात हो रही है ये मोबाइल नेटवर्क की बात नहीं हो रही ना ही सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में बात हो रही है काफी सारे लोग नेटवर्क बोला तो उनके दिमाग में आ जाता है कि लाइक इंस्टाग्राम एक है मेरे पास सोशल नेटवर्क फेसबुक ये मेरे पास सोशल नेटवर्क है तो अभी ऐसे बहुत सारे टाइप्स के नेटवर्क है यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में सो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है नेटवर्क इज एन ऑफ डिवाइसेस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टोपोलॉजी में मेरे पास काफी सारे डिवाइसेस हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप राउटर है बीच में ये मेरा राउटर है यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लैपटॉप कनेक्ट किया है यहाँ पे यूजर पीसी है यहाँ पे प्रिंटर है यहाँ पे प्ले स्टेशन है यहाँ पे मोबाइल है यहाँ पे फिर से ठीक है ठीके? तो इस तरीके की, की मेरे पास डिवाइसेस है अभी नेटवर्क क्या होता है नेटवर्क इन द सेंस अगर मेरे पास दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस एक दूसरे के साथ अगर कनेक्टेड है हम लोग इस सिचुएशन को बोलते हैं नेटवर्क ठीक है सभी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है दैट्स मीनस वी आर क्रिएटिंग नेटवर्क हम लोगों ने एक नेटवर्क बनाया है ठीक है नाउ टू और मोर कंप्यूटर और डिवाइस कनेक्टेड टू द शेयर इन्फॉर्मेशन अभी तक इन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं किया खाली कनेक्टिविटी करके रखा है लोकल एरिया नेटवर्क जिसको हम लोग लैंड नेटवर्क बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क जिसको हम लोग वैंड नेटवर्क बोलते हैं उसके बाद हम लोग मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क के बारे में बात करेंगे जिसको हम लोग बैन नेटवर्क बोलते हैं ठीक है थीके? हम लोग काफी सारे बुक्स में ये तीनों नेटवर्क का ही जिक्र देखा जाता है हम लोग कैन नेटवर्क और हैंड नेटवर्क के बारे में नहीं देखा जाता है तो कैन नेटवर्क मतलब कैंपस एरिया नेटवर्क जैसे कि कॉलेज कैंपस होता है आईटी कंपनी का कैंपस होता है इसे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के कैंपस होते हैं उसको हम लोग कैन नेटवर्क बोला जाता है बोला करते हैं नेक्स्ट थिंग होम एरिया नेटवर्क होम एरिया नेटवर्क मतलब जैसे कि हम लोग घर पे वगैरह बनाते हैं नेटवर्क तो, जैसे कि यहाँ पे इमेज देख सकते हो इमेज देख के मुझे कुछ इस तरीके का ही होम नेटवर्क लगता है जहाँ पे दो यूजर्स पीसी कनेक्टेड है प्रिंटर कनेक्टेड है वायरलेस डिवाइसेस लैपटॉप मोबाइल आईपैड ये सभी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है सो दिस इज हाउ माय नेटवर्क सो नेटवर्क क्या होता है नेटवर्क में दो और दो से ज्यादा डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं अभी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेटवर्क एंड द नेटवर्किंग सो नेटवर्क में तो हम लोगों ने देख लिया कि सभी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है लेकिन नेटवर्किंग की अगर मैं बात करता हूँ तो नेटवर्किंग होता है जो भी डिवाइसेज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है वो डिवाइसेस एक दूसरे के साथ अपना डेटा एंड रिसोर्सेज शेयर कर रहे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे उसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्किंग नेटवर्किंग इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन द इंटर कनेक्टेड डिवाइसेज जितने भी डिवाइसेज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है वो अपना डेटा एंड रिसोर्सेज शेयर कर रहे एंड कम्युनिकेशन कर पा रहे ठीक है तो इसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्किंग तो काफी सारे लोगों को क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेटवर्क एंड द नेटवर्किंग नेटवर्क डिवाइसेस आर कनेक्टेड सिंपली केबल कनेक्टिविटी वगैरह करके रखा है नेटवर्किंग जैसे आईएनजी लग जाता है तो आप समझ लो ये लोग एक दूसरे के साथ अपना डेटा एंड रिसोसेस शेयर करें दैट इज पॉल नेटवर्किंग ठीक है सो थैंक यू सो मच